डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद अभी दो थ्योरम और हैं, इनको प्रूव करने के बाद एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। लिखिए थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन है क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एसिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका अर्थ क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू, वो बराबर होती है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के बराबर। कैसे प्रूव करेंगे इसका? इसका प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ये जो ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को? इसमें हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू और इंटू टू ए। क्यों? दो से दो हम कैंसिल कर दें, किसी मैट्रिक्स में दो का गुणा करें और फिर दो का भाग दे दें तो वो एक ही बराबर हो जाएगा। लेकिन क्यों लिखा ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू? इसलिए हमने लिखा कि टू ए को हमें लिखना था ए प्लस ए। अगर हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का योग है तो सिमेट्रिक की परिभाषा में हमारा डैश यूज होता था, ए डैश बराबर ए के हो जाए तो सिमेट्रिक और ए डैश बराबर माइनस ए के हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो चूंकि यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा हमारी ट्रांसपोज पे डिपेंड करती है तो ए का ट्रांसपोज हम जोड़ देते हैं और ए का ही ट्रांसपोज हम घटा देते हैं तो हमारा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू और मैट्रिक्स के अंदर है हमारा ए, में हमने एक ए डैश जोड़ दिया और ये जो हमारा ए लिखा है उसमें हमने ए डैश घटा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू ए के है क्योंकि दो से दो कैंसिल हो जाए तो हमने इस भाषा में इसको लिख लिया। इस टू ए को हमने ए प्लस ए बना लिया, उस ए प्लस ए की जगह तो हमारा ए प्लस ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि इसमें ए डैश ऐड कर दिया और ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे कैंसिल कर दिया तो वहीं आ जाते हैं। क्यों हमने ऐड किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया और डैश ही क्यों किया? क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड ऑन ट्रांसपोज या ए डैश, इसलिए हमने डैश को यहाँ पर प्रेजेंट कराया है। और जब हमारी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बात चलेगी अगली थ्योरम में तब हम डैश की जगह पर स्टार जोड़ेंगे और स्टार घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बना, ए इज इक्वल टू, इसको अलग कर लें इतने पार्ट को तो ए इज इक्वल टू हो गया ए प्लस ए डैश और प्लस वन अपॉन टू, यहाँ मल्टीपल करेंगे इस वाले में तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश। इसको हमने क्या किया, लेट हमने इसको पी लेट कर लिया, लेट कैपिटल पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए माइनस
ए डैश देन, अगर इतना हम लेट कर लें तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, देन ए इज इक्वल टू, ये हमारा लेट कर लिया है पी के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे पी, और इसको हमने क्यू लेट किया है ये, तो पी प्लस क्यू, इसे डाल लीजिए इक्वेशन वन। अब हम कह सकते हैं कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ए, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक का योग होती है, तो हमें क्या करना होगा, पी को पी और क्यू में से हमें एक को सिमेट्रिक प्रूव करना है और एक को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इनमें से जब एक सिमेट्रिक हो जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यूकल कहिए या कहिए एज द मैट्रिक्स एज, सम काहे काहे का है, ये किस किस का सम है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, जो नंबर वन पड़ा हुआ है यहां से आगे कहेंगे हियर, हियर हियर, यहां से पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू यहां से हमारी क्या है, वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश। अब हमें इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अगर दिखाना है तो इसका हम ट्रांसपोज करना शुरू कर दें, देन हियर पी की वैल्यू जब इतनी है तो देन पी डैश की जब वैल्यू निकाली जाए, पी डैश वो क्या होगा, एक बट्टे दो एज ए के है, के पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो ए प्लस ए डैश लिखा हुआ है, ए प्लस ए डैश लिखा है उस पे डैश लग जाएगा। जब पी की वैल्यू ये है तो पी डैश की वैल्यू क्या होगी, इतने का डैश, तो पी डैश निकल के क्या आ रहा है, वन अपॉन टू, और ये ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश हो गया ये आपका ए डैश, और प्लस ये हो गया ए डैश का डैश, तो पी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और ये बन गया ए डैश, और इसके डैश का डैश कर दें तो हमारा लौट के ए आ जाता है। ये हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी। कुल मिला के हमारा पी डैश का मान इज इक्वल टू क्या हुआ, वन अपॉन टू, इस ए को पहले लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए प्लस ए डैश, ये वैल्यू किसकी थी, वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश किसकी वैल्यू थी, पी की, तो दैट इज मीन्स, इसका मतलब जो हम पी डैश निकाल रहे थे वो पी के बराबर आ चुका है, देयरफॉर किसकी परिभाषा है ये, ए डैश का, ए डैश की वैल्यू ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक कहते थे, उसी प्रकार से पी डैश की वैल्यू पी के बराबर आ जाए तो देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। पी कैसा निकल के आया, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। यही हम लिखते हैं अगेन, अगेन क्यू का मान क्या लिया था, वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश, यही तो लेट किया था, जैसे हमने P से P डैश निकाला तैसे ही हम Q से Q डैश निकालना शुरू करते हैं। हमने P से P डैश निकाला तो कंडीशन A आ गई, जो कंडीशन कहती है कि P इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन को बिलोंग कर रही है। Q पर देखते हैं, Q का डैश निकाला जाए तो ये हो गया वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा अंदर A माइनस A डैश का होल डैश। इस वैल्यू पर हमने डैश लगा दिया, क्यू का क्यू डैश लिखेंगे तो इसका इतने पर डैश लिख गया, एक बट्टे दो पे कोई असर नहीं पड़ता, तो क्यू डैश इज इक्वल टू ये हो गया वन अपॉन टू,
और इसको खोल दें ए माइनस बी का होल डैश, तो ए डैश माइनस बी डैश होता था, तो ये हो गया ए डैश माइनस, और बी की जगह पर है ए डैश ऑलरेडी ए डैश का डैश, तो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और ये बन गया ए डैश, और ए डैश का डैश कर दिया जाए लौट के ए हो जाता है प्रॉपर्टी से, इतना आ गया। तो क्यू डैश की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वन अपॉन टू नेगेटिव हो गया बाहर, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया ए माइनस ए डैश। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी थी, यहाँ पर क्यू की वैल्यू थी, तो देखिए पी डैश की वैल्यू निकाली वो तो पी के बराबर आ गई, तो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू डैश की वैल्यू जो निकाली है यहाँ से वो माइनस क्यू के बराबर आ रही है, ये किसकी परिभाषा है, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा है, किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नतीजा क्या निकला, आपको पता लग चुका है कि पी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, इक्वेशन वन क्या थी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन बी है, इक्वेशन वन थी हमारी ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये थी इक्वेशन वन, ठीक है। तो हियर बी शो दैट, हम दिखा चुके हैं पी इज सिमेट्रिक, P is symmetric and Q is skew symmetric matrix, यही दिखा चुके हैं हम, हमने अभी दिखाया था कि P symmetric निकल के आई थी, Q skew symmetric निकल के आई थी, hence अतः हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी कौन सी वाली एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, और जो ए के द्वारा हमारी पी और क्यू जो हमारी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आई हैं, तो हमारी इस इक्वेशन वन में हमने कहा कि हियर बी सो दैट, हम दिखा चुके हैं कि P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस फ्रॉम वन, चलो वन तो कह चुके हैं, हैंस इससे हमें क्या मिला, इस वाली से, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहो तो मैट्रिक्स को A लिख भी सकते हैं और नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है वो इज द सम ऑफ काहे काहे का योग है, पी एज ए सिमेट्रिक और क्यू एज ए इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमें प्रूव करना था, मैंने क्या दिखा दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है वो हमारा सम है, किसके बराबर है, सम है किस किसके, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बराबर है। लिखिए थ्योरम नंबर टू,
थ्योरम टू सेम उसी तरह से है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तैसे ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा से हो गई वो थ्योरम। अब वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा जहां बिलोंग कर रही थी वहां अब अपने हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन वाला होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज और स्टार लगाना है इसलिए स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स then A is equal to 1/2 into 2A, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दो से दो कैंसिल करते हैं तो एक ही बराबर तो रहा। सेम उसी तरह से चलना है जैसे अभी चले थे, तो इस थ्योरम में पिछली थ्योरम की प्रैक्टिस हो रही है। 1/2 और 2A को कह सकते हैं A प्लस A, तो A इज इक्वल टू 1/2, A तो A लिखा ही है इसमें हमने A स्टार जोड़ लिया और प्लस जो A ये वाला A लिखा है उसमें से हमने A स्टार घटा दिया। देखिए जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही थी तब मैंने डैश को ही तो ए का डैश जोड़ा था और ए का डैश घटाया था, और जब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात हो रही है तो डैश के स्थान पर हम ए स्टार को ही जोड़ेंगे और ए स्टार को ही घटाएंगे, क्योंकि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में जो परिभाषा है वो स्टार के पदों में होती है, जबकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पदों में जब परिभाषा चलती है तो वो डैश के पदों में होती है। तो वहाँ हमने डैश जोड़ा था और डैश ही घटा दिया, तो यहाँ पर स्टार ही जोड़ेंगे और स्टार ही घटाएंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल डैश रिप्लेस हो गया है बाई स्टार। A इज इक्वल टू 1/2 और इसको एक साथ ले लो तो A प्लस A स्टार और प्लस 1/2 A माइनस A स्टार। ये प्रूफ हमें इसलिए कराने पड़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इन थ्योरमों के ऊपर सॉल्व होगा इस वजह से। तो अब हमने लेट कर लिया, यहाँ पर लेट क्या कर लिया कि जो ये वैल्यू है इसे हमने P मान लिया, 1/2 A प्लस A स्टार को हमने लेट कर लिया P और एंड 1/2 A माइनस A स्टार को हमने लेट कर लिया Q, ये हमने लेट कर लिया। और जब ये लेट कर लिया तो देन क्या मिलेगा, जब मैंने इसको P लेट कर लिया इसको मैंने Q लेट कर लिया तो यहाँ से क्या मिला, देन A इज इक्वल टू P प्लस Q, इसे एक डाल लीजिए और हियर कहते हुए अब कहेंगे ही ये A बराबर P प्लस Q कम है, यही P की वैल्यू है 1/2 A प्लस A स्टार। अब देखते हैं ये P हमारा हर्मिशियन है,
कि स्क्यू हर्मिशियन है, चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पी का स्टार निकालते हैं। जैसे हमने पी का पी डैश निकाला था वहाँ, तैसे ही हम अब यहाँ पर पी का पी स्टार निकालें तो इज इक्वल टू क्या हो, एक बट्टे दो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ए प्लस ए स्टार का हो गया होल स्टार। तो ये हमारा बन गया पी स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन टू और ए प्लस बी का होल स्टार बराबर ए स्टार प्लस बी स्टार। तो ये हमारा हो गया ए स्टार और प्लस ए स्टार का स्टार, और ए स्टार का स्टार फिर ए बन गया। तो P स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन टू और ये बन गया, ये है आपका A स्टार, और A स्टार का स्टार दोबारा कर दें तो वो A हो जाता है, इतना बन गया। तो P स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन टू, आगे पीछे कर दें तो A प्लस A स्टार, ये जो वैल्यू कहे की थी एक बट्टे दो A प्लस A स्टार वैल्यू थी P जो लेट की थी, तो therefore P स्टार की जो वैल्यू निकाली हमने वो बराबर P के आ चुकी है। हियर कहना चाहिए, हियर यहाँ पर क्या है कि जो P स्टार की वैल्यू निकाली है हमने, P स्टार की जो वैल्यू निकाली है वो P के बराबर आ चुकी है। तो therefore अब लिख लीजिए, therefore P, ये किसकी परिभाषा है, P स्टार बराबर P के हो जाए या A स्टार बराबर A के हो जाए, हर्मिशियन। Therefore P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सिद्ध हो गई हमारी। अगेन इसका यूज कर लेंगे A बराबर P प्लस Q का। अगेन Q की वैल्यू क्या थी जो हमने लेट की थी, वो थी 1 अपॉन 2 और A माइनस A स्टार, इसका Q का भी स्टार निकालिए तो Q स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और A माइनस A स्टार का होल स्टार। तो Q स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये A पर तो स्टार आ गया ये, और माइनस ये ए स्टार पर स्टार हो गया, और ए स्टार का स्टार दोबारा कर दें तो वो ए के बराबर हो जाता है। तो क्यू स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन टू और ये बन गया ए स्टार, तो ये है ही, और ये माइनस ए बन गया, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्यू की हो जाएगी। तो क्यू स्टार इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया ए माइनस ए स्टार, तो ये क्यू स्टार की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू आ चुकी है, माइनस अलग है और इतने की वैल्यू क्यू थी, देखिए ऊपर इतने ही का तो मान क्यू है, तो ये यहाँ लिखा है। तो क्यू स्टार, देखिए पी स्टार निकाला पी के बराबर आया तो उससे हर्मिशियन की परिभाषा हो गई, और क्यू स्टार निकाला तो हियर Q स्टार जो है वो Q के बराबर आ गया है। तो therefore Q इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, therefore नो नाउ फ्रॉम वन वी गेट, वन क्या थी A बराबर P प्लस Q, और P क्या है हर्मिशियन, Q क्या है स्क्यू हर्मिशियन, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो A है वो P हर्मिशियन और Q स्क्यू हर्मिशियन के योग के बराबर ही तो है, ये हमें प्रूव करना था। नाउ फ्रॉम वन बी गेट, वन से क्या मिला, वन है क्या A इज इक्वल टू P प्लस Q, यही तो वन है।
नाउ फ्रॉम वन वी गेट, वन से हमें क्या मिला, पी हर्मिशियन आया, क्यू स्क्यू हर्मिशियन आया, तो एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन का जो सम है वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बराबर है। फ्रॉम वन वी गेट, जो ए बराबर पी प्लस क्यू लिखा है इसको भाषाओं में लिख दें, फ्रॉम वन वी गेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या दिखा रहा है ये वाला वन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन के योग के बराबर होती है। एक हर्मिशियन है, ये है पी हर्मिशियन थी और क्यू स्क्यू हर्मिशियन थी, तो हम कैसे कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ, बराबर किसके, इज द सम ऑफ, सम है किसका, एक हर्मिशियन पी का और स्क्यू हर्मिशियन क्यू का। तो ये आपकी दोनों थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा एक्सरसाइज 2A में उसमें इस थ्योरम का यूज है, इसलिए हमें पहले ये दोनों थ्योरम प्रूव करके दिखानी पड़ी है। लेकिन एक्सरसाइज, अब जो हमने आपको एक्सरसाइज 2A जो हमने आपको कल डेफिनेशन पढ़ाई थी, उन्हीं डेफिनेशन को हमें केवल मैट्रिक्स का मल्टीपल आप कर लेते हैं, तो उन डेफिनेशंस को हमें इन क्वेश्चनों पर फॉलो करके दिखाना है। एक्सरसाइज 2A, पहला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1 minus 1 0 1 minus 1 0 2 1 3 2 1 3 4 1 4 4 1 4, ये तो मैट्रिक्स ए है। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 4 1 0 4 1 0 2 minus 3 1 2 minus 3 1 1 1 minus 1 1 1 minus 1। सो दैट अगर ये ए और बी मैट्रिक्स हैं तो हमें क्या दिखाना है, वेरीफाई दैट या सो दैट ए इंटू बी का जो होल डैश इज इक्वल टू, मैंने कहा था डेफिनेशन में कि रिवर्सल जो ट्रांसपोज है वो रिवर्सल मल्टीपल के केस में रिवर्सल लॉ लागू होता है, तो वही है हमारा बी डैश पहले लिखा जाएगा ए डैश बाद में। इसको हमें वेरीफाई करना है, देखिए कैसे होगा। देखिए पहले हम ए बी मल्टीपल निकाल लेते हैं, ए बी निकालिए तो ए लिखें 1 minus 1 0 2 1 3 4 1 4, ए ए के बाद बी लिख लीजिए 4 1 0 2 minus 3 1 1 1 minus 1, इसका जो मल्टीपल है चलो यही लिख लेते हैं बराबर में। देखना इस रो का इस कॉलम में करें तो 4 1 4 4 में से 2 1 2 निकल गया, 2 रह गया और तीसरा 0 है ही, 2 रह गया, 4 1 4 और 4 में से घट जाएंगे ये 2 1 2 माइनस के और 0। अब इसका हम करते हैं इस वाले में,
एक एक अनेक, और ऋण एक का ऋण तीन में करेंगे प्लस तीन, माइनस वन का माइनस थ्री में करें प्लस थ्री, और तीसरा तो जीरो है, तीन एक चार हो गया। अब देखते हैं इस वाले में करते हैं, मल्टीपल कर रहा हूँ, कोई सादा और कोई चीज़ नहीं है। वन का जीरो में किया जीरो, माइनस वन का वन में किया माइनस वन, और ये जीरो, तो यहाँ माइनस वन मिल गया, माइनस वन मिल गया ये। अब सेकंड रो का करते हैं इस वाले में, तो चार दूनी आठ, ये चार है, चार सेकंड वाले का यहाँ रख लीजिए उंगली, भूल जाए कहीं तुम इसमें करने लगो, चार दूनी आठ यहाँ बढ़ा दो, दो एकम दो यहाँ बढ़ाइए, चार दूनी आठ, दो एकम दो और तीन एकम तीन, आठ और दो दस और तीन तेरह हो गया यहाँ पर। चलिए इस वाले का, इस वाले में करते हैं दो एकम दो और एक तिया तीन माइनस का, और तीन एकम तीन ये प्लस का, तीन से तीन कट गया यहाँ दो आ रहा है। चलिए इसका हम इसमें मल्टीपल करते हैं, दो का जीरो में जीरो, एक का एक में करें तो एक, और थ्री का माइनस वन में माइनस थ्री, तो प्लस का एक माइनस का थ्री तो माइनस का टू, प्लस का वन और माइनस का थ्री तो माइनस टू हो गए। इस वाले का करते हैं हम चार चौक सोलह, चार चौक सोलह, दो एकम दो और चार एकम चार, सोलह चार बीस और दो बाईस हो गया ये आपका। इस वाले का सेकंड वाले में करते हैं चार एकम चार, चार एकम चार, और ये तीन एकम तीन माइनस का, और ये चार एकम चार फिर प्लस का, ठीक है, चार चार आठ, आठ में से तीन गया पाँच। इसमें करते हैं तीसरे वाले में हो गया कंप्लीट, चार का जीरो में जीरो, एक का एक में एक, और चार का माइनस वन में माइनस चार, माइनस चार और प्लस वन ये हो गया माइनस थ्री। ये आपका कुछ नहीं, ए और बी दो मैट्रिक्स थी, तो हमने ए बी मल्टीपल निकाला है। अब ए लेफ्ट हैंड साइड को यदि हल करें तो जी ए बी आप निकाल चुके हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज कर दें तो ए बी डैश हो जाएगा, तो ए इंटू बी का होल डैश क्या बना, इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसपोज करें, ये रो लिखिए कॉलम बना दो, टू फोर माइनस वन, टू फोर माइनस वन, थर्टीन टू माइनस टू, थर्टीन टू माइनस टू, और ट्वेंटी फाइव फाइव, ट्वेंटी फाइव सॉरी 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 ट्वेंटी टू, ओके ट्वेंटी टू फाइव माइनस थ्री, ये जो आया है ऐसे नंबर एक डाल दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाली है हमने, पहले हमने ए और बी से ए बी निकाला मल्टीपल, और ए बी का हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ए बी डैश हो गया ये आपका नंबर एक। अगेन अगेन अब राइट हैंड साइड हल करते हैं, बी डैश निकाल लो इसका ट्रांसपोज करके, और ए डैश निकाल लो इसका, और फिर मल्टीपल करते हैं, ये यही लिखा रहने दीजिए। अगेन अब हम निकालते हैं बी डैश ए डैश, यही तो राइट हैंड साइड में लिखा है, ए बी का, ए बी का, ए बी का जो होल डैश है वो बराबर सिद्ध करना है बी डैश ए डैश, तो हम बी डैश ए डैश निकालते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, आपके पास ये बी लिखा है तो इस बी के द्वारा हम बी डैश की वैल्यू लिखें तो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये जो हमारी रो लिखी है कॉलम बना दीजिए, फोर वन जीरो, बी का बी डैश लिखने जा रहा हूँ तो इसका ट्रांसपोज कर दिया यहीं कहीं, फोर वन जीरो और टू माइनस थ्री वन, इसे खड़ा कर दिया, और इसे भी खड़ा कर दें, खड़ा का मतलब है रो को कॉलम में कर दें, कॉलम तो वन 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 वन, और ये था आपका माइनस वन, ये आपका क्या है बी डैश, और बी डैश का मल्टीपल करना है ए डैश में, ए डैश में, ए में मत कर देना, ए डैश में, तो इस ए का पहले डैश लिखो, इसे खड़ा करो, वन माइनस वन जीरो, इस रो का कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज निकालते जा रहे हैं, टू वन थ्री, फोर वन फोर, फोर वन फोर हो गया ये, ये जरूर लिखा रहने दो, हमें वेरीफाई का मतलब दिखाना है। अब जो बी डैश ए डैश का मान निकाल के ला रहे हैं, देखिए क्या आएगा, इसका मल्टीपल करिए इस वाले में,
चार एकन चार और दो एकन दो रिड़का, ये जीरो, तो चार में से दो गए, दो ही आया, देखो मैच कर गया ये आपका। चलो ठीक है, अब इस वाले का इस वाले में करिए, चार दूनी आठ, देखिए चार दूनी आठ और दो एकन दो दस, दस और तीन एकन तीन, दस और तीन तेरह, यहाँ तेरह आ रहा है, ये तेरह आ गया देखिए। चलो अब इस वाले का इसमें करते हैं, तो चार चक सोलह, चार चक सोलह और ये दो एकन दो सोलह, दो अठारह हो चुके हैं और चार एकन चार, अठारह और चार बाईस, ठीक है। इस वाली रो का इसमें करिए, एक एकन एक और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस थ्री और ये तीसरा जीरो चार आ गया है और ये भी चार ही था, ये भी मैच कर गया, बस निकाल लीजिए कुछ नहीं हो क्या है। अब इसका इसमें करिए सेकंड में, दो एकन दो और ऋण के तीन हो गए तो ऋण एक और ऋण एक है और धन के तीन तो ये धन का दो। इस वाले में करिए चार एकन चार और चार में से ये तीन एकन तीन निकल गए एक बचा और चार एकन चार, चार और एक पाँच हो गए, बिल्कुल चार दो पाँच, चार दो पाँच मैच कर गया। इस वाली तीसरी रो का करते इसका जीरो में जीरो और इसका करते इसमें तो हो गया वन और माइनस वन, माइनस वन और ये जीरो है ही तो ये माइनस वन हो गया। इस वाले का करते इसमें तो ये जीरो हो गया, ये एक एकन एक हो गया एक और ये ऋण के तीन तो ऋण का दो मिला, ऋण का दो मिला। तीसरे में करिए ये जीरो हो गया, ये एक एकन एक हो गया और ऋण का चार है तो एक और ऋण चार तो ये हो गया ऋण तीन, इसे नंबर दो डाल लीजिए। अब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो ए बी के होल डैश की वैल्यू लिखी है नंबर एक में वही बी डैश गुणा ए डैश की वैल्यू लिखी है नंबर दो में, तो यहां लिख लीजिए यहीं साइड से, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, एक और दो से क्या मिला, जब एक और दो में ये वाले मान बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे, तो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर टू लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू, तीसरा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने थ्योरम कराई थी उसके ऊपर है, समझाना होगा उसको बढ़िया तरीके से, तो तीसरा रोक लीजिए और सब खत्म कर दो आज। क्वेश्चन नंबर टू कल आते आते तीसरा समझाएंगे, जैसे आज मैं थ्योरम समझाई थी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए केवल, तीसरा हो जाएगा। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, चलो लिख देता हूं कि इफ आप करेंगे इसको, इफ ए बराबर क्या है वन टू जीरो, ए कोई मैट्रिक्स है वन टू जीरो थ्री माइनस वन फोर, थ्री माइनस वन फोर ये कोई ए मैट्रिक्स है, चलो ए ये है तो हम इसका ए डैश निकाल देते हैं, ए डैश बताना तो क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज कर दो तो वन टू जीरो ये खड़ा हो गया जो लेटा हुआ था, थ्री माइनस वन फोर, थ्री माइनस वन फोर जो रो थी कॉलम बना दिया, जो रो थी कॉलम बना दिया, तो हमें ए के द्वारा ये ए डैश मिल गया। अब देखो मैं बताऊं आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है फाइंड ए, आपका क्वेश्चन में लिखा था ए डैश मैंने निकाल दिया है, अब वो कह रहे हैं फाइंड ए इंटू ए डैश एंड ए डैश इंटू ए, इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये बताऊं होमवर्क क्यों है, एक में तो ए ए डैश निकालो तो पहले ए लिखना और गुणा में ए डैश मल्टीपल कर दीजिए, और जब ए डैश ए निकालें तो पहले ए डैश लिखना उसके बाद ए लिखना, ये सादा मल्टीपल है आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने रोक लिया है, जैसे थ्योरम की थी उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, आगे के सभी क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। चौथे क्वेश्चन की बात आ रही है, दूसरा ये हो गया निकाल लेंगे आप, मल्टीपल है सादा, ए दिया था ए डैश हमने निकाल दिया, अब तुम्हें ए का ए डैश में मल्टीपल और ए डैश में ए का कर देना है, बस
तीसरा क्वेश्चन मैंने रोका है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्योंकि जितनी देर में तीसरा होगा उतने ही टाइम में ये सब हो जाएंगे, तो आज हमें इन्हें ख़त्म करना है। सो दैट, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट थ्री सेवन माइनस फोर आई, माइनस टू प्लस फाइव आई, सेवन प्लस फोर आई, सेवन प्लस फोर आई, माइनस टू, माइनस टू माइनस टू थ्री प्लस आई, कुछ नहीं, बहुत इजी हैं। केवल जो परिभाषा, जो इसमें नाम लेक इज हर्मिशियन, तो आपको हर्मिशियन वाला काम करना शुरू कर देना है और वेरीफाई कर जाना चाहिए। माइनस टू माइनस फाइव आई, माइनस टू माइनस फाइव आई, थ्री माइनस आई, और ये है आपका फोर। तो सो दैट जो ये मैट्रिक्स लिखी है वो हमें क्या दिखानी है, इज हर्मिशियन, ये करना है। तो लिखिए हर्मिशियन का, हर्मिशियन बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स वी हैव, हर्मिशियन मैट्रिक्स के द्वारा हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के द्वारा हमारे पास ये है कि ए स्टार बराबर ए के होता है, ये हर्मिशियन की परिभाषा हुआ करती थी। तो अगर इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया और ए मैट्रिक्स ये हो गई, चलो तो इस ए का ए स्टार निकालें, लौट के इसी ए के बराबर आ जाए तो कह देंगे ए इज हर्मिशियन। तो चलो निकालते हैं इसको, मैंने बाय डेफिनेशन ये होती है, और इसको मैंने लेट कर लिया है बराबर ए के। नाउ ए स्टार बराबर ए के हर्मिशियन की परिभाषा है, तो मुझे ये दिखाना है। तो नाउ ए स्टार अगर आपको निकालना है तो पहले कंजुगेट करिए, फिर ट्रांसपोज करिए। ए स्टार होता क्या है, ये होता है हमारा ए स्टार बराबर होता है ए बार डैश, ए स्टार बराबर होता है, ए स्टार बराबर होता है ए बार डैश के, जो के बराबर ए के आ जाना चाहिए, तो हर्मिशियन कह देंगे। हमने ए स्टार की वैल्यू और लिख दी, चाहे ए स्टार लिखिए और चाहे ए बार डैश लिखिए, इसका मान बराबर मुझे ए के लाना है। तो चलो ए बार डैश निकालते हैं। तो नाउ ए बार निकालें तो क्या बना, ए बार का मतलब कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब केवल आई का चिन्ह बदलना, थ्री जैसा का तैसा, ये हो गया सेवन प्लस फोर आई, माइनस फाइव फोर आई था इसलिए, माइनस टू जैसा का तैसा रहेगा, प्लस फाइव आई का माइनस फाइव आई हो गया, और ये हो गया सेवन माइनस फोर आई, सेवन माइनस फोर आई माइनस टू, और ये थ्री माइनस आई, और ये रहेगा माइनस टू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइव आई, आई का चिन्ह बदल दें तो ये हो जाएगा फाइव आई प्लस का, और ये थ्री माइनस आई है वो हो जाएगा थ्री प्लस आई, और ये फोर जैसा का तैसा। ये मैंने क्या निकाला, कंजुगेट। अब इस कंजुगेट का ट्रांसपोज और कर दो, जो ए बार आपने निकाला है इसका ट्रांसपोज मींस डैश और कर दो। तो अब इसका ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, इसे खड़ा कर दीजिए, इस रो को कॉलम बना दीजिए, तो ये हो गया थ्री सेवन प्लस फोर आई ए वाला, और माइनस टू माइनस फाइव आई ए वाला खड़ा कर दिया, इसको भी खड़ा कर दीजिए, इस रो को कॉलम बना दीजिए, सेवन माइनस फोर आई ये माइनस टू, और थ्री माइनस आई इसको भी कॉलम बना दीजिए, तो माइनस टू प्लस फाइव आई और थ्री प्लस आई, और ये है आपका फोर। अब ये बताइए ए बार डैश को क्या कहते हैं, ए बार डैश को कहते हैं ए स्टार।
देयरफोर ये बन गया आपका ए स्टार। क्या बन गया? जो ए बार डैश लिखा है, ए का कंजुगेट ट्रांसपोज डिनोटेड बाई ए स्टार, तो इसकी जगह पर मैंने ए स्टार लिख लिया। अब ये देखिए, ये जो आया वो है क्या, क्या क्वेश्चन दिया था वो ही है। थ्री सेवन माइनस फोर आई, थ्री सेवन माइनस फोर आई, टू माइनस टू प्लस फाइव आई। पहली रो सेम है, दूसरी रो देखना, ये सेम है, ये सेम है, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो ए स्टार बराबर ए के आ चुका है, देयरफोर ए स्टार बराबर ए। हेंस दी गिवन मैट्रिक्स, हेंस दी गिवन मैट्रिक्स इज, कैसी है ये मैट्रिक्स जो दी हुई थी, हेंस दी गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था, ए मैट्रिक्स हमने इसको मान लिया, हर्मिशियन सिद्ध करना है, तो ए स्टार बराबर ए लाना है। ए स्टार कैसे निकालते हैं, ए स्टार का मतलब क्या होता है, कंजुगेट ट्रांसपोज, तो कंजुगेट का मतलब बार और ट्रांसपोज का मतलब डैश, ए स्टार निकाल लिया। इस तरह से परिभाषा है, केवल हमें बिलोंग करानी, अगर हर्मिशियन कहें तो हर्मिशियन की परिभाषा जो है बिलोंग कर जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, होमवर्क लिख देता हूं, बहुत सिंपल है ये, इंटर में हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सो दैट, ऐसे ही सबकी परिभाषाएं दिखानी है, सो दैट जीरो वन प्लस आई, जीरो वन प्लस आई और माइनस वन प्लस आई, माइनस वन प्लस आई और ये जीरो, ये जो दी हुई है वो एच इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सिद्ध करना है। तो इसक्यू हर्मिशियन की परिभाषा क्या होगी, और इसे लेट कर लीजिए बराबर ए, तो बाई डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन ऑफ इसक्यू हर्मिशियन वी हैव, क्या होती है इसकी हर्मिशियन की परिभाषा, कि ए स्टार निकालें वो माइनस ए के बराबर आ जाना चाहिए। ये आपको काम होमवर्क के रूप में करना है। ए स्टार का मतलब है पहले इसका कंजुगेट ए बार निकालना, ए बार का डैश कर देना, तो ए बार डैश की वैल्यू ए स्टार हो जाएगी, और उधर जो होगा जो माइनस कॉमन जब आप ले लेंगे तो ए मैट्रिक्स इसके बराबर आ जाएगी, ये करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सो दैट, छठवां भी इसको हर्मिशियन का है, मैट्रिक्स लिख देते हैं, छठवें में लेट कर लिया, लेट कर लिया हमने कि ए कोई मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल है, लेट कर लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है। छठवां क्या है, आई थ्री माइनस टू आई, माइनस टू माइनस आई, आई थ्री माइनस टू आई, माइनस टू माइनस आई, माइनस थ्री प्लस टू आई, जीरो थ्री माइनस फोर आई, टू माइनस आई, माइनस थ्री माइनस फोर आई और ये है आपका माइनस के टू आई। लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, और वो हमें क्या दिखानी है, ये मैट्रिक्स इज इसक्यू हर्मिशियन का है, इसक्यू हर्मिशियन कर लेंगे क्या, इसमें आपको क्या दिखाना है, फिर वही ए स्टार बराबर माइनस ए के, ये काम कर देना केवल इतना, इसका ए स्टार निकालना, ए स्टार का मतलब होता है पहले इसका ए बार निकालेंगे,
इसका ए बार निकालेंगे, फिर ए बार को ट्रांसपोज कर देंगे, और ए बार का ट्रांसपोज करें वही तो ए स्टार होता है, और उधर से ऋण कॉमन ले लेना तो यही ए मैट्रिक्स बन जाएगी लौट के। ठीक है, छठवां हो गया। सातवां क्वेश्चन, सातवां भी इसकी हर्मिशियन का ही है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन कहता जाए उसकी परिभाषा देख लो, भूल गए हो तो पीछे देख लो परिभाषा क्या थी, और उसी परिभाषा को बिलोंग करा देना है केवल। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट मैट्रिक्स जो ये क्या लिखी है इसको, सो दैट ए बराबर हम मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं ए, चलो ए मान लिया। सो दैट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है वो क्या है, अब की बार साथ में आई वन माइनस आई टू माइनस वन माइनस आई थ्री आई आई माइनस टू आई जीरो, ये सो दैट ए बराबर जो ये लिखा है वो एज कैसी होनी चाहिए, ये भी स्क्यू हर्मिशियन का है, स्क्यू हर्मिशियन। अब स्क्यू हर्मिशियन के लिए इसमें भी आप क्या करना कि ए स्टार निकालना, वो माइनस ए के बराबर आ रहा होगा, ए स्टार बराबर माइनस ए के आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि सो दैट आई का डैश करें वो आई के बराबर आ जाए, ये क्वेश्चन है इनका। सो दैट आई का जो डैश है ट्रांसपोज वो आई के बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। तो यहां आप लिखेंगे बी है आई होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर की क्यों न ले ली जाए, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, किसी भी ऑर्डर की ले लीजिए आप आई। ये हमने 3 by 3 की ले ली है, आप चाहें तो n by n की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, इस आई का डैश निकालते हैं। डैश का मतलब जान गए कि नहीं अभी, इस रो को कॉलम बना दो खड़ा करके, ये जो रो लिखी है उसे कॉलम बनाए तो क्या बना, 1 0 0, ये ऐसे लिख दिया। इस रो को कॉलम बनाए तो 0 1 0 ये खड़ा हो गया, और इसे इस रो को कॉलम बनाए तो 0 0 1 हुआ। देखिए भले ही हमने ट्रांसपोज किया, हियर आई का डैश तो निकाला मैंने आई डैश, लौट के फिर भी आई आ चुका है, और यही हमें प्रूव करना था कि सो दैट आई बराबर आई का डैश इज इक्वल टू आई, ये हो गया। नवा ये प्रूव करना है ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार बराबर प्रूव करना है ए स्टार प्लस बी स्टार। इसे किससे सॉल्व करेंगे, बाई एग्जाम्पल टू, केवल फर्क क्या है कि बॉट नहीं, थ्योरम टू, ये पहला ही पेज है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जो पहला ही पेज है जो मैं ये लिखा है, चलो इसको भी लिख लो फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन में हम एक और बढ़ा देते हैं, जो क्वेश्चन है नवा वो तो हो गया फर्स्ट पार्ट, और एक आपकी थ्योरम हो चुकी है वो है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये आपका ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये आपका प्रूफ हो रहा है यहां पर। केवल डैश को आप स्टार में ट्रांसफर कर देना, जहां डैश लगा रहे हैं वहां स्टार लगाते जाना, तो जैसे ये प्रूफ हो रहा है आपका थ्योरम टू में यहां पर, उसी तरह से सेम ये प्रूफ हो जाएगा। पहले ये वाला कंप्लीट करें, थ्योरम टू जो लिखी है पहले पेज पर जो चैप्टर शुरू हुआ है, थ्योरम टू ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, इसको प्रूव करना पहले, और जब इसका प्रूफ जैसे ही हो जाए उसी प्रकार से इसका कर देना। जहां डैश बोल रहे थे
जहाँ डैश बोला जा रहा है उसी प्रकार से सेम आप डैश की जगह पर स्टार बोल देना, ये हो गया। और लास्ट में दसवां क्वेश्चन है कि ए स्टार का स्टार, इसे हम कर देते हैं, ए स्टार का स्टार करें तो वो ए आ जाना चाहिए। इसके प्रूफ के लिए हम क्या कहेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम कहेंगे कि बी है, बी है ए स्टार का मान होता है ए बार डैश, यही होता है ए बार का मान, ए बार डैश। और देन दो लाइन का है बस, ए स्टार का मान होता है ए बार डैश, और इस ए स्टार पर एक और स्टार लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा ए बार का डैश, तो इतना था ही, और मंझला कोष्टक लगा के फिर बार और इस पर फिर डैश। अरे मैंने परिभाषा अप्लाई कर दी कि ए स्टार का मान ए बार डैश है, एक बार और एक डैश है, तो एक बार और एक डैश तो पहले से है ही है अंदर ए स्टार का मान, और जैसे ही अगला स्टार लगाएंगे तो एक बार और एक डैश और आ गया। दैट इज मीन्स इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं आप, इसमें डैश भी दो बार हो गया और बार भी दो बार हो गया, तो ए बार चूक यहां लिख लीजिए, तो ये ए स्टार का स्टार बराबर ए के आ चुका है। ये चूक क्यों आ गया, क्योंकि दो बार डैश लगा दें तो लौट के ए हो जाता है, और दो बार बार लगा दें तो ए हो जाता है। तो यहां पर लिख लो क्यों हो गया, क्योंकि ए डैश का दोबारा डैश कर दें तो ए हो जाता है, और एंड और ए बार का दोबारा बार कर दें तो भी ए हो जाता है। तो दो बार बार था इसलिए ए हो गया, और दो ही बार डैश है इसलिए ए हो गया, तो ए स्टार का स्टार बराबर ए हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, केवल क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, जो हमने शुरू में दो थ्योरम कराई थी उन्हीं के थ्रो होना है। तो कल आते आते क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और अगली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कल, ठीक।